हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कराएंगे और ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर वन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वन में क्या करना है, संबंधित अक्षर चुनना है। क्या करना है, संबंधित अक्षर चुनना है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या दिया है, यम एन ओ पी का संबंध के एल एम एन से है तो सी आर ए वी का संबंध किससे होगा, इसी को हमें सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चलिए दोस्तों इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में आए तो क्या करेंगे, पहले इन अक्षर को क्या करेंगे आप, अंक में कन्वर्ट करेंगे। आपको अंक में कैसे कन्वर्ट करना है, देखिए दोस्तों ए बराबर, देखिए दोस्तों ए बराबर यानी कि ए हमारा एक नंबर पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ए बी सी डी में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। और ए हमारा एक नंबर पड़ता है, बी हमारा दो नंबर पड़ता है, ठीक है। उसी प्रकार यम हमारा किस नंबर पड़ेगा, 13 नंबर पड़ेगा, ठीक है। और यन हमारा किस नंबर पड़ेगा, 14, ठीक है, 14 नंबर पड़ेगा। ओ हमारा 15 नंबर पड़ेगा और पी हमारा 16 नंबर पे, कितने, 13 14 15 16 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे भी अंक में कन्वर्ट करेंगे के एल एम एन को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, के हमारा 11 नंबर पे हो जाएगा और एल हमारा 12 नंबर पे हो जाएगा, यम हमारा 13 नंबर पे हो जाएगा, यन हमारा 14 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों पहला अक्षर यम इसमें दिया है, इसमें के दिया है, तो क्या किया है, यम में से क्या किया, यम में से दो माइनस कर दिया है, क्या कर दिया, यम में से दो माइनस कर दिया है तो 13 हो गया है, सॉरी 11 हो गया है, 13 में से माइनस दो किया है तो 11 हो गया है, ठीक है। अब उसी प्रकार यन में क्या किया है, यन में से क्या किया, अन में से भी कितना माइनस कर दिया, इसमें से दो माइनस कर दिया है, इसमें से भी दो माइनस कर दिया है तो कितना हो गया है, 12। 14 में से माइनस दो करेंगे तो 12 ही आएगा, तो 12 नंबर पे एल पड़ता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ओ हमारा किस नंबर पड़ा है, 15, ठीक है। अब 15 में से क्या करेंगे, 15 में से दो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 13, तो 13 नंबर पे क्या है, यम है, देखिए दोस्तों 13 नंबर पे यम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पी में क्या करेंगे, पी में से भी दो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14, पी हमारा 16 नंबर पड़ता है, यन हमारा 14 नंबर पड़ता है, तो क्या करेंगे, इसमें भी दो से माइनस कर देंगे तो क्या आ गया, देखिए दोस्तों के एल यम यन आ गया। देखिए दोस्तों सब में इन सब अक्षरों में से दो दो माइनस करते चले गए तो क्या हो गया, के एल यम यन प्राप्त हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार इसे सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए सी इसे भी क्या करेंगे, सी आर ए वी को पहले अंक में कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए दोस्तों इसे अंक में कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और यार हमारा किस नंबर पड़ता है, 18 नंबर पड़ता है, और ए हमारा एक नंबर पड़ता है और वी हमारा 22 नंबर पड़ता है। देखिए दोस्तों हमने क्या किया था, इनमें से दो माइनस किया था तो ये संबंध प्राप्त हो गया था, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, सी में से दो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3 में से माइनस दो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो एक नंबर पर क्या आता है, ए आता है, ठीक है। देखिए दोस्तों किस किस ऑप्शन में ए दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है और ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी गलत हो जाएंगे, ठीक है, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसे और भी सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर आर 18 दिया है तो आर में से हम क्या करेंगे, दो माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा, और 16 नंबर पे क्या पड़ता है, पी, 16 नंबर पे क्या पड़ता है, पी, तो किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप इतना ही सॉल्व करके क्या कर दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ए में से दो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, कितना आ जाएगा, 25 आने की वाई आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। देखिए दोस्तों ए पी वाई हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है कितना, वी, वी किस नंबर पड़ता है, 22, इसमें से क्या करेंगे, दो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 नंबर क्या पड़ता है, टी पड़ता है, तो क्या आ गया, ए पी वाई टी, किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया है, 16 का संबंध 34 से है तो 11 का संबंध किससे होगा, इसी को हमें सॉल्व करना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 16 का संबंध किस प्रकार 34 से हुआ है, देखिए दोस्तों 16 में क्या किया है, 16 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 दुना कितना होता है, 32 होता है, और इसमें क्या कर लेंगे, 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा,
34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34। देखिए दोस्तों 16 में 2 से गुना कर देंगे और इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे उसी प्रकार 11, 11 का संबंध है क्वेश्चन मार्क से, तो क्या करेंगे 11 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में 2 से गुना करेंगे तो 22 हो जाएगा और 22 में क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। देखिए दोस्तों क्या किया, 11 में 2 से गुना किया तो 22 आया, 22 में 2 जोड़ दिए तो 24 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है 24, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया है, सी आई आर सी एल ई संबंधित है आर आई सी ई एल सी से, तो उसी प्रकार एस क्यू यू ए आर ई संबंधित है किससे। ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों सी आई आर सी एल ई संबंधित है आर आई सी ई एल सी से, कैसे देखिए दोस्तों इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, आर इस तरह कर लेंगे और इस तरह और बीच वाली बीच में, ठीक है, और इसे भी इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, तो चलिए इसे कैसे लिखेंगे, देखिए पहले आर लिखते हैं, ठीक है, आर लिखेंगे और फिर आई लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे सी लिखेंगे। ठीक है, कितना आ गया आर आई सी आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे ई लिखेंगे, ठीक है ई लिख लिए, अब क्या है सीधे में यल है तो यल लिख लेंगे और देखिए दोस्तों यहाँ पर सी है तो सी लिख देंगे, कितना आ गया देखिए आर आई सी ई एल सी। देखिए दोस्तों आ गया हमारा आर आई सी ई एल सी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे उसी प्रकार इसे सॉल्व करेंगे एस क्यू यू ए आर ई को, तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे देखिए दोस्तों इसे भी क्या कर लेंगे इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस तरह से कर लेंगे और इस तरह से, तो क्या आप लिखेंगे पहले, देखिए पहले क्या लिखेंगे यू लिखेंगे, पहले यू लिखेंगे तो किस ऑप्शन में दिया है यू, ऑप्शन नंबर सी और डी में दिया है और ए और बी गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे पहले हमने यू लिख लिया दोस्तों, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर क्या दिया है क्यू, तो अब क्या करेंगे क्यू लिखेंगे। ठीक है, क्यू लिखेंगे, देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया क्यू, देखिए दोस्तों दोनों ऑप्शन में दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे यू, यहाँ पर क्या लिखेंगे यू लिखेंगे, क्या हो जाएगा देखिए दोस्तों अब क्या लिखेंगे यहाँ पर यस लिखेंगे, कितना लिखेंगे यस लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यस हो जाएगा, किस ऑप्शन में दिया है यू क्यू यस। ठीक है, दोनों ऑप्शन में अभी दिए हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए दोस्तों ई, पहले क्या लिखेंगे ई लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके सामने क्या है सीधे में आर, तो आर लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या है ए, तो ए लिखेंगे, क्या हो गया यू क्यू यस ई आर ए। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर चार। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार में क्या दिया है, के सी ए सी का संबंध सी ए सी के से है तो यक्स जी एम एफ का संबंध किससे होगा, इसी को हमें सॉल्व करना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चलिए दोस्तों इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए किस प्रकार के सी ए सी का संबंध सी ए सी के से हो गया है, कैसे किया है देखिए दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से इसे भी सॉल्व करेंगे। क्या हो गया है देखिए दोस्तों, क्या किया है सी सी को इधर कर दिया है, ठीक है इसे उल्टे कर दिया है, सी को इधर कर दिया है, ठीक है फिर ए को लिख दिया है, फिर सी को लिख दिया है, फिर के को लिख दिया है, क्या किया है इसका उल्टा कर दिया है, पहले सी को लिखा है फिर ए के लिखा है फिर सी को लिखा है फिर के को लिख दिया है। ठीक है, उसी प्रकार इसे भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों पहले क्या करेंगे यप को लिखेंगे, ठीक है यप लिखेंगे, देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में यप दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको डायरेक्ट आंसर देना है तो इतना ही सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यप हो जाएगा, फिर यम हो जाएगा, ठीक है उसके बाद जी हो जाएगा, ठीक है उसके बाद यक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है यप यम जी यक्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर पाँच। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पाँच में क्या दिया है, के यम यफ का संबंध यल यल यच से है तो आर यम यस का संबंध किससे होगा, देखिए दोस्तों इसी को हमें सॉल्व करना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चलिए दोस्तों इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप क्या करेंगे पहले इन्हें अंक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे अंक में कन्वर्ट करेंगे, अंक में कैसे कन्वर्ट करना है देखिए दोस्तों, ए बी सी डी में 26 अक्षर होते हैं, कितने अक्षर होते हैं 26 अक्षर होते हैं और ए नंबर पर एक पड़ता है। ठीक है, और के हमारा किस नंबर पड़ता है दोस्तों, ए 11 नंबर पड़ता है। ठीक है, और यम हमारा 13 नंबर पड़ता है,
जब हमारा 6 नंबर पड़ता है। तो क्या करेंगे, पहले इसे अंक में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए कि हमारा 11 नंबर पे हो जाएगा, यम हमारा 13 नंबर पे हो जाएगा और यफ हमारा 6 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों इसे भी अंक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यल हमारा 12 नंबर पे होता है, यल हमारा 12 नंबर पे होता है और यच हमारा 8 नंबर पे होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों क्या किया है कि के में क्या है, के में एक क्या कर दिया है, के में एक जोड़ दिया है तो कितना हो गया है, 12 हो गया है। ठीक है, अगर 11 में एक जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा और 11 हमारा के नंबर पड़ता है, यल हमारा 12 नंबर पड़ता है। ठीक है, अब उसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया है, यम, यम में क्या किया है दोस्तों, यम देखिए, यम और यल, यम हमारा 13 नंबर पड़ता है, यल हमारा 12 नंबर पड़ता है। तो क्या किया है, यम में से -1 कर दिया है तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 नंबर पर क्या पड़ता है, यल पड़ता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यफ, यफ किस नंबर पड़ता है, 6 नंबर पड़ता है। ठीक है, और यच, यच हमारा 8 नंबर पड़ता है। तो क्या करेंगे, यफ में हम 2 जोड़ देंगे, कितना, 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है, अब उसी प्रकार इसे सॉल्व करते हैं आर यम यस को। तो क्या करेंगे, इसे भी पहले अंक में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों आर हमारा 18 नंबर पड़ता है, ठीक है, और यम हमारा 13 नंबर पड़ता है, यस हमारा 19 नंबर पड़ता है। तो क्या करेंगे, पहले वाले में क्या किया, एक जोड़ दिया है, तो अगर आर में हम एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19 नंबर पर क्या आता है, यस आता है। क्या आता है, यस आता है। देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में यस दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में यस दिए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इसे भी सॉल्व कर लेते हैं यम वाले को। तो यम में क्या करेंगे, यम में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, और 12 नंबर क्या पड़ता है, यल। तो क्या हो गया, यस यल। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिया है, यस यल, ऑप्शन नंबर ए और बी में दिया है। ठीक है, तो सी और डी गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यस को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, किसमें, इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यस में 2 जोड़ेंगे, यानी कि 19 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। और 21 नंबर पर क्या पड़ता है, यू पड़ता है। क्या पड़ता है, यू पड़ता है। तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा से हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5 प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपके यहाँ पहुँचें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।